कि जहां कहीं भी उसको ये मालूम पड़ता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो टीमें वहां जाकर उसको सहयोग दे सकें और उसकी रक्षा कर सकें, उसके लिए एक रास्ता बना सकें। पहला सुझाव तो मेरा ये। दूसरा सुझाव मेरा ये कि इसमें जो लोग समाज सेवी संस्थाएं और संगठन हैं, इन सबको जोड़ा जाए, इनके माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई आपके आपके अधिकार क्या हैं, आप किस तरह अपने कानूनों को प्राप्त कर सकते हैं, आप मानवाधिकार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और अगर उनको कोई कमी होती है तो हमारी टीम है। तो हमारे समाज सेवी संस्थाओं को जोड़ा जाए, जन जागरूकता को बढ़ाया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि सुझाव आमंत्रित किए जाए। जैसे मैंने क्या अनुभव किए हैं, ये सुझाव में से आमंत्रित किए जाए, उन पर हम कैसे अच्छाई ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इस पर फिर हम बैठ के विचार करें उसका तरीका। जैसे मैं बताता हूं कि इस समय मैं आरटीआई में कम से कम 100 आरटीआई एक साल के अंदर करता हूं। जब मैंने आरटीआई किया तो वहां देखा कि बहुत सी कमियां थी, तो मैंने इतनी बड़ी चिट्ठी एक बना करके पूरी कि सूचना आयोग में हमको क्या तकलीफ होती है, वो बना करके इतनी बड़ी चिट्ठी मैंने उसमें तमाम पॉइंट की क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे लिख करके मैंने उनको भेजा और विधि मंत्रालय को भी भेजा कि कानून में ये संशोधन किया जाए तभी उसको मिल सके। हम बैठे हैं, हमारे जो सूचना आयोग महोदय हैं वो कहते हैं आपको जवाब दे तो दिया गया, पर हो गया, अरे भाई जवाब दिया जो हमने पूछा हो तो दिए ही नहीं, कहते हो दे दिया, इतना बहुत जाइए मुकदमा खारिज। तो मैंने उनसे ये पूछा, पहले ये बताइए कि जो सूचना आयुक्त महोदय है वो हमारे पक्षधर है, सूचना के ऊपर पूरा एक सेशन है, चलिए बता रहे बीच में वो हमारे पक्षधर है, उनके पक्षधर वो दिया ही नहीं। तो मैंने कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मैं कोई कहानी सुनने के लिए नहीं, सिर्फ यही है कि पहली चीज तो ये है यहाँ पर ये काम करे, जन जो जागरूकता उत्पन्न करे, समाज सेवी संस्थाओं को जोड़े और टीमें बनाए, जहां कहीं किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो वो 10 आदमियों की टीम वहां जाए और जाकर के जो अधिकारी है या जो लोग हैं उनसे वो बात करे और उसको न्याय दिलाए, ये हमारा एक सुझाव है। धन्यवाद। मैं सिस्टर सुमा को बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात करें। मैं अभी आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आपका लंच तैयार है, सिस्टर सुमा को सुनने के बाद में पीछे लंच की व्यवस्था है, आप लोग लंच करके जाएंगे, लंच करके जाएंगे नहीं, लंच सॉरी पहले आपसे मेरा प्रार्थना है कि मैं हिंदी तरह शुद्ध रही है, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा विषय आपके सामने रखने के। जेजेपी के बारे में अभी जो डिस्कशन करते थे तो इसमें मुझको मेरा दो एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने में चाहती हूँ। एक केस ऐसे है, एक 16 साल के एक लड़का, उसने एक फैक्ट्री में एक छोटा काम करते थे, ये वापस आने के समय पुलिस उसने पकड़ लिया, उसके बाद उसने सीधा अडल्ट जेल में भेजा, तिहाड़ जेल में भेजा और उधर 3 महीने जेल के अंदर था। इसके बीच में मैं तो एचआरएम की तरफ से हम तिहाड़ जेल में जाते हैं और उधर बहुत लोगों को वकील को फीस नहीं दे सकते, गरीब परिवार का बहुत बच्चे और लोग पड़ा है, उन लोग का केस हम लेते हैं और जेल का बाहर उन लोगों को लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे जेल विजिटिंग करने के नाते में एक बच्चे को मिला और उसको केस लिया और केस बेल के लिए लिखा और बेल मिल गई। ये यूपी का लड़का था, फिर बेल मिलने के नाते भी शुगर के डरने के लिए कोई नहीं था और दोबारा जेल में ऐसे अंदर पड़ा था। उसके बीच में हम एक एप्लीकेशन लगा दिया इसको जुवेनिलिटी क्लेम करने के लिए और उसके गांव से उसको स्कूल का सर्टिफिकेट निकाला, उसमें हमको पता लगा उसको उम्र 16 साल का रहता है।
और ये उसका सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा किया और जज इतना अच्छा था और इसलिए हमको जेल कोर्ट से तुरंत उसको घर भेजा, वापस जेल में नहीं भेजा, कोर्ट से भी उसको बैठ हुआ। और इसमें भी बहुत दिक्कत आ गई क्योंकि ना पुलिस को हमारे ऊपर इतना नाराज हुआ, आपने ऐसे क्यों किया, हम इतना मुश्किल से इसको जेल के अंदर डाल दे, दो केस उसके ऊपर डाला था और उसने इसके क्या किया, ये सारी चीजों हम जज के सामने बोले गए, क्या पुलिस ने उसको दो फाइल का दो नाखून निकाल दिया उसके मारपीट करके, क्योंकि उसको पूछा आपको उम्र कितना है, उसने बोला मैं 16 साल का है, तो बोला ना आप बोल रहे हैं आपका 18 साल का, तो उसने बोला मैं तो 9 साल में 18 साल के नीचे है, उसने उसको बहुत मारपीट किया, उसके बाद उसको नाखून भी उन्होंने निकाल दिया, उसकी स्थिति में उसके जेल के अंदर था और जेल के अंदर भी बहुत पीड़ा है, पुलिस के बीच में पुलिस उसको करती है और उसके बहुत परेशान थे जेल के अंदर, पर उसमें कोर्ट से सीधा हमारे पास ऑर्डर था, ऑर्डर दस्ती मिला, फिर भी पुलिस उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, फिर उसके बाद मैं उसके साथ लॉकअप भी गई तो लॉकअप वाला बोला अभी नहीं छोड़ा, तो फिर बोला क्योंकि ना कोर्ट का ऑर्डर है उसको वापस जेल नहीं भेजना, कोर्ट से भी घर भेजना, मगर फिर दोबारा कोर्ट जज को मेंशन किया, ऑर्डर निकाला, फिर ये ऑर्डर के साथ लॉकअप में जाके पुलिस के बाद बहुत बातचीत किया, फिर तुरंत मैं बोला इसके साथ में ये लॉकअप से बाहर निकाला, फिर उसके बाद बहुत कष्ट उठाया, फिर उसको लॉकअप से बाहर ऐसे मतलब रिलीज हो चुका। और हम पता है हमारे केस में अभी सारे वकील केस में तो वकील लोगों के लिए उन लोग पैसा देते हैं, इधर हमको भी ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि ना बेचारे उसको घर में जाने के लिए एड्रेस भी पता नहीं है, कुछ पैसा भी नहीं है, फिर हम उसको घर में सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए भी पूरा कष्ट उठाया और उस घर में पहुंचा, एक ही कहानी है। दूसरे की चीज से पिछले महीने में ऐसे हुआ था, एक लड़का एक पूरे 1 साल से जेल के अंदर था, ये दर्पण दम था, क्या था उसको बोल भी नहीं सकता और सुनने भी नहीं सकता, ऐसे एक और अपने ऐसे गड़े होने के लिए उसको तकलीफ इतना बेचारा लगता था, फिर उसका रेप का केस पुलिस ने डाल दिया और किसी सही केस में एक अमीर परिवार का लड़का था और उसने पैसा लेके पुलिस स्टेशन से उसने बाहर निकल गए, फिर एक गुंडा का ऊपर एक केस डाल दिया और 1 साल के जेल के अंदर था, फिर मैं जेल लिस्ट में लेके दौरान इसको मिला और उसको केस हम लिया और उसके बीच में हम भी एक दिक्कत था, कुछ भी उसको भी बोल नहीं सकता, हमको भी बहुत दिक्कत इसलिए, और 1 साल लगातार एक केस जज के सामने आएगा, कभी भी जज कुछ भी कदम नहीं उठाया उसको बरी करने के लिए और उस केस में कुछ करने के लिए, फिर उसके बीच में हमको एक अच्छा ऑर्डर मिला, हमारी सिटी में ऐसे देखा कई बहुत सारे जुबनाइल बच्चे अडल्ट जेल में है और हमारा जो दिल्ली में जुबनाइल जस्टिस बोर्ड में भी हमारे अच्छा लड़का 2-3 लॉयर्स से हम कई सालों से भी काम करते हैं, उसके दौरान हमको बहुत गरीब लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए मौका मिला, हम बहुत अच्छा से काम करते हैं और उसका एक वकील ने हम इसके बीच में बहुत केसेस हम कलेक्ट किया, इसमें अराउंड 392 बच्चे जुबनाइल बच्चे अडल्ट जेल में पड़ा है, सारे लिस्ट सारे हम किया और इसके एक पीएल हाईकोर्ट में डाल दिया और इसको अच्छा ऑर्डर मिला और हाईकोर्ट ने 20 लोगों का एक कमिटी बना दिया और हम और सर्वे किया हर एक लोगों की इंटरव्यू किया, इसके दौरान इतने सारे बच्चों का केस जुबेनाइल जस्टिस में ट्रांसफर किया, मगर अभी भी बच्चे अडल्ट जेल में है, कम से कम उन लोगों के केसेस तो जेजेबी में ट्रांसफर किया और इसके दौरान बहुत आसान से बहुत लोगों बाहर आया और के बच्चे का नाम भी ऐसे ट्रांसफर हुआ, अभी पिछले हफ्ते महीने में उसने बाहर आ गई, उसमें भी हमारे इंस्ट्रक्शन था पुलिस का और उसको बाहर ऐसे सीधा नहीं भेजना क्योंकि हमको उसका थोड़ा रिहैबिलिटेशन का भी प्रोग्राम था, मगर पुलिस उसको कुछ केयर नहीं किया,
उसको सीधा अटल जेल से बाहर निकाला। तो हमको पता नहीं है किधर है, मगर एक जेल के बाहर है। तो ऐसे बहुत केसेस है। हम अभी जज भी इधर आया है, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है और लॉयर्स भी इधर है, कोई कष्ट उठाए। और अभी जुवेनाइल अटल जेल के अंदर भी बहुत सारे बच्चे जुवेनाइल से, उसको थोड़ा बाहर निकालने के लिए अपने तरफ से थोड़ा कोशिश कर दीजिए। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी थोड़ा अपने कीमती समय निकाल के गरीबी बच्चों को देके उन लोगों को भी बाहर निकालने के लिए अपने तरफ से थोड़ा कोशिश कर दीजिए। और इसके लिए आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम HRLN के तरफ से हम रेडी है। आपको इसमें क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए और कुछ सहायता चाहिए तो हम भी आपके साथ। और जो सहयोग के लिए आश्वासन भी दिया, हमें लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो इस चीज से वाकिफ थे या नहीं है वो जानकारी हासिल किए होंगे, और आने वाले समय में चाहे वो चाइल्ड लाइन के माध्यम से हो या HRLN के माध्यम से हो, ऐसे वो जो तमाम किशोर साथी हमारे बच्चे जेलों में बिना किसी गंभीर अपराध के वहाँ पे उतारना का शिकार हो रहे हैं, उनको राहत मिलेगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बाहर खाने की व्यवस्था है, खाना खाएं और फिर जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि इसके बाद प्रिजनर्स राइट और जो दूसरे ऐसे सवाल हैं उनके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो एक के बाद एक शायद ब्रेक उन लोगों को नहीं मिलेगा, बातचीत जारी रहेगी। मेरा निवेदन है कि आप लोग फटाफट खाना खा लें और जितनी जल्दी आ जाएंगे हम आगे की कार्यवाही उतनी ही जल्दी शुरू कर देंगे। उल्टी तरह जिनको सरकार के हमला करना वो अंदर से पहले कमरा सेटिंग है, कौन सा ब्यूरो योगी है उनसे वो आप कहेगा ये माना है वो करते मुहैया कराए ताकि चौदह तारीख को साथ साथ, क्योंकि जब लोग कारागार में होते हैं
तो उनके साथ समस्या होती है कि उनकी जेल बेल कैसे होगी, उनकी जमानत का अधिकार। हमें ये बार बार जो है लोगों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि मैं सबसे पहले मौलिन भाई को बुलाऊं, लेकिन मौलिन भाई खास उसमें फंसे हुए हैं, तो इनको फिर बाद में सुनना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस सेशन में तारिक अदीब जी हमें और कारागारों में व्याप्त भ्रष्टाचार करप्शन इन जेल एंड वायलेंस, और दूसरा है राइट टू बेल, सिस्टर सुमा से भी मेरा निवेदन है कि वो भी आवे और ये दोनों चीजें जो है इश्यूज क्लब कर दिए हैं। यहाँ पे इस सब पूरी प्रक्रिया से बहुत करीबी से जुड़े हुए साथी हैं हमारे राधा किशन पांडे जी, मैं एक बार फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आवे और अपने अनुभवों से लोगों को वाकिफ करावें। हमारे बीच लखनऊ हाई कोर्ट से और जो खुद भी तमाम करप्शन और वायलेंस का शिकार रहे हैं शोएब साहब आए हैं, मैं शोएब साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो भी आवें, आप बीती भी बतावें और किस तरीके से उनको सिर्फ मुस्लिम होने के तौर पे कैसे प्रताड़ित किया गया और कैसे उस सब पूरे झंझावात से वो जूझते हुए अभी भी मजबूती के साथ जो लीगल राइट्स हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं स्वयं साहब को भी निवेदन करूंगा कि वे आवें और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी जानकारी लोगों के साथ शेयर करें। एडवोकेट राधा किशन पांडे जी, उनसे एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा कि वो आवें, हालांकि वो बीच में शायद स्वास्थ्य संबंधी कारणों से शिथिल हो गए थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो बिल्कुल शिथिल नहीं। मैं शोएब साहब को अनुरोध करूंगा कि शोएब साहब पहले तो जरा थोड़ा सा जो पूरा सिस्टम है उसका क्या उनका अपना तजुर्बा रहा है और इस विषय पे अपने कारागारों में व्याप्त हिंसा करप्शन और राइट टू बेल इसके ऊपर बात रखते हुए अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ रखे हैं। उसके बाद मैं तारिक साहब से कहूंगा कि तारिक साहब जो है अपनी बात रखें सुमा, और फिर फाइनली मैं पांडे जी को अनुरोध करूंगा कि पांडे जी इसको ऐसे मुकाम पे पहुंचा दें जिसके बाद फिर पांडे भाई की बात सबके सामने आ जाए। वर्तना का पूरा नाम बता दीजिए। चलिए सुरक्षा आ गए हैं, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरा नाम, मैं मोहम्मद शुएब एविडेंस एडवोकेट लखनऊ का रहने वाला हूँ। आमतौर से एक ही बात लोगों को दिखती है कि मुसलमान नौजवान आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार किए जाते हैं। पहले तो ये बात चलती थी कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, फिर बात आई कि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन हर पकड़ा जाने वाला आतंकवादी मुसलमान है। और जब से साध्वी प्रज्ञा वगैरह का नाम आया तब से ये बात चली कि आतंकवाद का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इसके पीछे साजिश क्या है इसको भी हमें देखना पड़ेगा, इस पर भी हमें गौर करना होगा। मुसलमानों को आतंकवादी बता करके हिंदुओं के बीच में उनके प्रति नफरत पैदा करके और जो सांप्रदायिकता